गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कपिल जैन। आज हम बात करेंगे डीएनए सिंप्लीफिकेशन अटैक्स के बारे में। डीएनए सिंप्लीफिकेशन अटैक्स आर बेसिकली अ काइंड ऑफ डीडोस अटैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। इसके अंदर क्या होता है, जो अटैकर है वो हजारों या लाखों डीएनएस सर्वर्स के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और इन डीएनएस सर्वर्स से टारगेट के ऊपर अटैक करता है, आपके सर्वर पे, आपके नेटवर्क के ऊपर उससे अटैक करता है। अब वो कैसे करा जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। उसके अंदर सबसे पहले जो अटैकर होता है उसको एक ओपन डीएनएस सर्वर्स की लिस्ट तैयार करनी होती है और वो नेटवर्क स्कैनिंग से, पोर्ट स्कैनिंग से पॉसिबल है। मतलब वो बेसिकली क्या करते हैं, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं जो एक साथ हजारों लाखों सर्वर्स को स्कैन करता रहता है और उनको खाली इतना चेक करना होता है कि वेदर दे आर ओपन रिजॉल्वर्स और नॉट। ओपन रिजॉल्वर का मतलब होता है कि कोई भी एक डीएनएस सर्वर है, यूजुअली क्या होता है, डीएनएस सर्वर जो होता है ना वो खाली या तो जो डोमेन के जोन्स उसके अंदर एडिड है उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा या फिर जितने आईपी एड्रेस या जो आईपी ब्लॉक्स को उसके अंदर अलाउ करा है हमने उसको वो उसके उधर उन्हीं को वो रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन क्या होता है, कुछ एडमिन्स उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते और वो डीएनएस सर्वर को ओपन रिजॉल्वर की तरह छोड़ देते हैं, मतलब कोई भी उसको एज अ डीएनएस सर्वर यूज़ कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब जो अटैकर है वो इस तरीके के डीएनएस सर्वर्स को ढूंढते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द इंटरनेट और ये मिल भी जाते हैं उनको, फिर वो क्या करते हैं, इसके अंदर वो आईपी स्पूफ करते हैं, जो टारगेट है उसको स्पूफ करेंगे उसका आईपी और डीएनएस सर्वर के ऊपर क्वेरी भेजेंगे डीएनएस रिकॉर्ड रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन वो जाएगी, मतलब वो डीएनएस सर्वर को लगेगा कि जो टारगेट आईपी है उस आईपी से वो रिक्वेस्ट आई है क्योंकि उन्होंने आईपी स्पूफ करा है। तो अब उसको डीएनएस सर्वर को लग रहा है इधर से आई है रिक्वेस्ट टारगेट से, तो वो जो उसका रिस्पॉन्स है वो अटैकर को नहीं भेज के टारगेट के ऊपर भेजेगा। अब वो टारगेट के ऊपर भेज रहा है तो एक सर्वर भेज रहा था तो ठीक है, लेकिन एक साथ हजारों लाखों सर्वर्स जब इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, एक के ऊपर ही सारे आएंगे, तो फिर ये बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। क्योंकि वो इतना लोड आएगा, इतना ट्रैफिक आएगा, इतना डेटा आएगा कि वो नेटवर्क या सर्वर उसको झेल नहीं पाएगा अनटिल उसके लिए प्रॉपर डीडोस फिल्टरिंग, प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। बेसिकली ये होता है डीएनएस एम्प्लीफिकेशन अटैक। इसका मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू भी समझाता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ में। तो आइए मैं आपको अब एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ बोर्ड के ऊपर कि हाउ एग्जैक्टली डीएनएस एम्प्लीफिकेशन अटैक वर्क्स। सपोज ये हो गया टारगेट टी और ये हो गया अटैकर ए और ये है हमारे बहुत सारे डीएनएस सर्वर्स, 1000s ऑफ देम। अब ये अटैकर क्या करता है, ये सारे के सारे डीएनएस सर्वर्स इनके ऊपर एक क्वेरी भेजी, एक वो यूजली टेक्स्ट रिकॉर्ड भेजते हैं। टेक्स्ट रिकॉर्ड से का क्या होता है रीज़न कि उसकी क्वेरी तो बहुत छोटी सी जाती है लेकिन उसका रिस्पॉन्स बहुत बड़ा आता है। तो यानी ये छोटा सा पैकेट भेज रहा है, उसका रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट 10 times बड़ा होकर आता है। अब एंड ये भेज रहा है स्पूफ्ड आईपी, ही इज स्पूफिंग आईपी ऑफ द टारगेट। तो अब ये डीएनएस सर्वर को लग रहा है कि ये क्वेरी आ रही है टारगेट से, तो वो सारे टूट पड़ते हैं इसको रिप्लाई देने में। और अब ये क्या करता है, जो अटैकर है ना, ये स्क्रिप्टेड होता है, ये सारे जो ये प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस भेजे जाएंगे एक के बाद एक, मतलब कंटिन्यूस चल रहा है। और ये और अटैकर्स कई बार क्या करते हैं, उनके भी मल्टीपल सोर्सेज सेटअप कर देते हैं, तो एक साथ वो हजारों क्वेरीज कंटिन्यूस 24 घंटे जा रही हैं और उसका सामने 24 घंटे रिप्लाई आ रहा है जो अटैकर के टारगेट के ऊपर आ रहा है। और वो जो टारगेट है वो बेचारे उसका नेटवर्क भी मर जाता है, वो सर्वर भी मर जाता है। अब वो डिपेंड करता है
कि उन्होंने क्या प्रिकॉशन लिए हैं और क्या नहीं लिए, कितना फायरवॉल वगैरह का सेटअप करा है और क्या नहीं, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर उन्होंने प्रॉपर, उनके पास इनफ बैंडविड्थ है, मतलब अटैक का साइज इतना नहीं है कि उनकी बैंडविड्थ सैचुरेट हो जाए, और प्रॉपर फायरवॉल वगैरह भी है, मतलब डीडोस फिल्टरिंग वगैरह, तो वो इजीली ब्लॉक करा जा सकता है। इसके अंदर मतलब सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे ये मेन जो बोलते हैं रूल आता है वो आता है ब्लॉक यूडीपी प्रोटोकॉल और सोर्स, मतलब फॉर पैकेट्स कमिंग फ्रॉम सोर्स पोर्ट 53। ये इसका जो रूल होता है ये ऐड होता है फायरवॉल में। अब वो डिपेंड करता है जो भी फायरवॉल है उसके जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंगली उसको ऐड करा जाएगा, पर जो उसका मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो अटैक आ रहा है वो उसका जो सोर्स पोर्ट होगा दैट विल बी 53 एंड प्रोटोकॉल विल बी यूडीपी। तो कुछ लोग तो कम्प्लीटली यूडीपी को भी ब्लॉक मार देते हैं, लेकिन उससे फिर दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है सोर्स पोर्ट 53 यूडीपी, और वो टेम्प्रेरी ब्लॉक करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर अगर उन दूसरी भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करेगा प्रॉब्लम्स, क्योंकि डिपेंड करता है उस नेटवर्क पे क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं और क्या नहीं। बट दिस इज़ व्हाट यूडीपी या सॉरी डीएनएस एम्प्लीफिकेशन अटैक इज, और ये सारा अटैक यूडीपी प्रोटोकॉल बेस्ड होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ डीएनएस एम्प्लीफिकेशन अटैक। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए। और फ्यूचर में आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी मेरे को इंटरनेट सिक्योरिटी रिलेटेड, टेक्निकल, सर्वर रिलेटेड रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। आई होप यू लाइक इट। सो कीप रीडिंग मोर एंड मोर, कीप व्यूइंग सच वीडियोज एंड ग्रो। थैंक यू। हाँ, और वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।